आमतौर पे हर व्यक्ति सोचता है, हर इंसान सोचता है। एक तो बचपन से एक सपना होता है सबका कि हम बड़ा होकर क्या करेंगे, और दूसरा एक सपना होता है कि भाई हमारे बच्चे बड़े होकर क्या करेंगे। तो उसकी जो सोच है, उसकी जो भावना है, वो आप बचपन में थोड़ा थोड़ा आप अगर उसको अच्छी तरह से अगर ऑब्जर्वेशन आप करते तो आपको पता चलेगा आपका बच्चा आगे क्या कर सकता है। हो सकता है उसको अगर कोई गुरु महागुरु अगर रथी राम महारथी कोई मिल जाए तो हो सकता है उसमें कुछ अच्छा बदलाव भी आ सकता है, या तो फिर वो खराब रास्ते पे भी जा सकता है। लेकिन करीब करीब उसको देखने के बाद में, उसके एटीट्यूड को देखने के बाद में, उसकी सोच को देखने के बाद में, आपको करीब करीब पता चलता है इसका भविष्य क्या होगा। तो आप देखिए, एक एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ उसमें कि एक परिवार में जिसमें एक 8-10 साल का बच्चा है, एक 13-14 साल का बच्चा है, तो इंसानियत की जागृति किसके अंदर है यह आप देख सकते हो। बिल्कुल आपको परिवार में, आपके बच्चों में आपको ये परिवर्तन दिखेगा। आपको अब एक छोटी सी बात, जैसे कोई दो मेहमान घर पे आते और बच्चे खेल रहे थे, लेकिन जो बच्चा मेहमान घर में आने के बाद में जो अभ्यास करने के लिए किताब खोल के बैठेगा, तो शायद उसको ये जताना है कि मैं बहुत होशियार हूँ, मेहमानों के सामने मैं अभ्यास में बैठा हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो शायद मुझे शाबाशी मिले। तो ये बदमाशी। मेहमान आने के बाद में तो आपने किताब बंद करके आपने मेहमान नवाजी में लग जाना चाहिए। तो जो बच्चा दूसरा बेचारा जो नॉर्मल था, वो तुरंत घर में जाके मम्मी को खबर कर देता है कि मम्मी मम्मी पिताजी के दोस्त आ गए, और पापा को मैं जानता हूँ पहले भी एक बार अपने पास आए थे। तो तुरंत उसने माँ से कह दिया कि बस दो कप चाय बनाओ, मैं दो बिस्किट के पैकेट लेके आता हूँ। तो व्यवहार और इंसानियत, ये दोनों का चलन इस बच्चे के अंदर देखने के लिए मिलता है। अब आगे घटना ये बनती है कि जैसे वो बच्चा दो पैकेट लेके आता है बिस्किट के, उसने वो प्लेट सजा के रखी, मेहमानों के सामने वो चाय लेके गया, बिस्किट दिए, कुछ गपशप हुई, बातचीत हुई। लेकिन इस बातचीत के दौरान वो बच्चा ध्यान भी रखता है कि मेहमान कितने बिस्किट खा रहे हैं। तो हो सकता है कि जैसे मेहमानों ने 2-4 बिस्किट, 5-7 बिस्किट बचा के रखे, तो घर में जाते समय वो प्लेट के साथ साथ वो जो चाय की व्यवस्था वो सब ट्रे ले जाते समय, वो बच्चा जिसको वो 4-5 बचे हुए बिस्किट जेब में डालने की भी अकल होती है, उसके पास इंसानियत भी है और व्यवहार भी है। और जो अभी तक खाली किताब खोल के बैठा था, फिर वो उसके पास दौड़ के जाता है, बोलता है भैया मुझे भी देना 2-4। तो ये बदमाशी है। और करीब करीब ऐसी सोच के लोगों के कोर्ट कचहरी के चक्कर हम लोग ज़्यादा देखते हैं कि जो भाई के पास में था उस पर हम दावा करना सोचते, काम तो कुछ किया नहीं। तो बिना मतलब का जो मांगने की आदत पड़ी लोगों को। तो इस टॉपिक के साथ साथ मैं और एक बात थोड़ी सी जोड़ना चाहता हूँ कि जो हमारे सोच के कारण, जो हम लोग व्यवस्था के कारण, चलो हमें जो पढ़ाने वाला, हमें जो सिखाने वाले हैं, तो हो सकता है कि वो लोगों का वो तो धंधा बन गया। लेकिन जो कई तो जगह पे हम देखते हैं कि आजकल घर तोड़ना शुरू कर दिया लोगों ने, तो ये भी तो एक हमारी सोच है। अपने घर तोड़ो, यहाँ का किचन वहाँ पे बना दो, यहाँ का बेडरूम हटा दो, यहाँ का पूजा घर हटा दो, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास में इंसानियत क्या है? किचन बदलने से आपके घर में बरकत बढ़ सकती है, ये बात मेरे जहन में नहीं बैठती। आपके घर में आने वाले कितने कितने लोग, कितने मेहमान, कितने पड़ोसी प्यार से चाय पी के गए, प्यार से खाना खा के गए, ये आपके घर की बरकत बढ़ा सकती है। बाकी किचन की दिशा गलत हो गई, इसलिए लोगों की ये सोच होती है कि भाई मेरे घर में बरकत इसलिए नहीं, और फिर बरकत लाने के लिए कई लोग तो अभी आप तो सब जानते हैं, सब भागा दौड़ी चल रही, इससे बरकत आएगी, ये पैकेट खोलने से बरकत आती है, ये चीज़ें खिलाने से बरकत आती है, तो ऐसा कुछ नहीं। तो बचपन से ही हमारे पास ये एक व्यवस्था होनी चाहिए, ये हमारे पास में एक इंसानियत की जागृति होनी चाहिए। तो ये बच्चे से, और फिर तो मन तो ऐसा है हर इंसान का, वो तो सब भटके हुए सब लोग। एक शायरी, एक किसी का शेर था बड़ा प्यारा, दिल एक बच्चे की मानिंद पर अड़ा हुआ है, या तो उसे सब कुछ चाहिए या कुछ भी नहीं। हर इंसान चाहता है कि जो कुछ हो मेरा हो। हमारे यहाँ के एक महात्मा ने बहुत अच्छी बात मुझसे कभी कही थी कि मेरा तो मेरा है लेकिन तेरा भी मेरा है। तो सब ये खींचातानी चल रही है, लेकिन सोच हमारी बचपन से हमें पता चलती है। हमारे यहाँ पे मराठी में कहावत हो सकता है, हिंदी में है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन बच्चा बड़ा होके क्या करेगा,
तो उसके जो पैर है वो तो पलने में दिखते हैं, जैसे उसको पालने में हम लोग डालते हैं, तो उसके पैर किस तरह से हिलते हैं उसी पर चल लगता है मैं कि ये आगे चलकर क्या करेगा। सभी माँ बाप को लगता है, सभी को लगता है कि मेरा बेटा क्लास में फर्स्ट आना चाहिए। जैसे स्कूल बैग उसके कंधे पर डाल दिया तो सब माँ बाप कहते हैं कि बेटा फर्स्ट आना चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए। तो सब अगर फर्स्ट आएंगे तो सेकंड कौन आएगा, फिर थर्ड कौन आएगा? तो किसी को तो सेकंड आना पड़ेगा, किसी को तो थर्ड आना पड़ेगा। तो स्कूल के भावना में, स्कूल की किताबों के पन्नों में जो लोग अटक जाते हैं तो शायद हो सकता है वो फर्स्ट सेकंड आ जाए। लेकिन इंसानियत के मामले में अगर देखा जाए तो आदमी फर्स्ट आ सकता है बिल्कुल ईजी। उसके लिए कोई स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए कोई क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं। और तो बस आमतौर पर आप एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहो, बस यही ज़िंदगी इंसान की, और तो कुछ है ही नहीं। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।